सवी की ज़िंदगी में होने वाली है एक नई एंट्री, यानी कि ईशा जो ढूंढ रही है सवी के लिए रिश्ते, तो यहाँ पर एक शशांक नाम के लड़के का रिश्ता आने वाला है सवी के लिए, और यहाँ पे शो में एंट्री होने वाली है एक नए किरदार की। यहाँ पे दोस्तों सवी के लिए रिश्ता जो नया आया है शशांक का, यहाँ पे शशांक जो है वो ईशा के द्वारा ही चुना गया लड़का है, क्योंकि यहाँ पे जब ईशा की गलतफहमी दूर हो जाएगी कि रजत और सवी का आपस में कुछ भी चक्कर नहीं चल रहा है, तो ईशा जो है वो एक नया रिश्ता लेकर आएगी सवी के लिए, और वो रिश्ता और कोई नहीं शशांक का होने वाला है। तो देखते हैं दोस्तों आगे चल के क्या होता है स्टोरी में, शशांक का जो चैप्टर है वो कितना लंबा चलता है स्टोरी में, क्योंकि अल्टीमेटली रजत और सवी का ही यहाँ पे दोस्तों जो बॉन्ड है वो बनने वाला है। शशांक का कितने टाइम तक के लिए चलता है यहाँ पर चैप्टर, वो देखना बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। तो दोस्तों यहीं तक था आज का हमारा वीडियो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, धन्यवाद।